हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लास सेशन 15 चौथा। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट। जैसे कि मैंने यहां पे ऑलरेडी बना रखा है, तो बेटा जैसे आपने एडमिशन में किया था रिटायरमेंट में भी सेम वैसे ही कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको। बस थोड़ी बहुत चीजों का चेंज होगा जो आपको अलग से लिखने हैं, बाकी आप इस चैप्टर के अंदर नया कुछ नहीं है, सब एडमिशन की तरह ही चलेगा। ठीक है बेटा, तो बड़े ही ध्यान से आप कैपिटल अकाउंट को देखने और समझने का ट्राई करेंगे। कैपिटल अकाउंट में लेफ्ट साइड जैसे कि हमें पता है डेबिट साइड होती है, राइट साइड हमें को पता है कौन सी साइड होती है, क्रेडिट साइड। अब जब एक पार्टनर रिटायर होता है, जब एक पार्टनर रिटायर होता है उस टाइम में भी हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले जो लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे हम उनका ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले हम लिखेंगे उनका बैलेंस। या मैं आपको ऐसे एक बार दोबारा से रिकॉल करा दूं कि जो भी हमने पार्टनर को देना है या जिससे भी उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है या जो भी उसके कैपिटल अकाउंट में प्लस करना है वो सब कुछ राइट साइड पे लिखेंगे। जो भी उनसे लेना है फॉर्म में, जो भी उनसे लेना है या जिससे भी उनकी कैपिटल डिक्रीज होती है, जो भी उनके कैपिटल अकाउंट से माइनस करना है वो सारा कौन सी साइड पे लिखेंगे हम, डेबिट साइड पे। तो जो पैसे देने हैं वो यहां लिखते हैं, जो पैसे पार्टनर से लेने हैं वो डेबिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या लिखना होता है इसके अंदर, सबसे पहले हम लिखते हैं उनका बैलेंस। तो बैलेंस लिखने के लिए आपको टर्म क्या यूज करनी है, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। और यहां पे आप क्या लिखोगे, कैपिटल बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, यानी कि जो भी पार्टनर्स की कैपिटल आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है वो आप यहां पे लिखोगे। जो बैलेंस शीट आपको जो कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर आपको दे रखी है पार्टनर्स की, वो कैपिटल आप यहां पे लिखोगे। ठीक है बेटा, उसके बाद अभी हम सिर्फ बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट के अंदर हम देखेंगे लायबिलिटी साइड में ही रिजर्व दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व पड़े हुए हैं, बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व लिखा हुआ है या जनरल रिजर्व लिखा हुआ है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड रेशियो में। क्योंकि बेटा सिंपल सी बात है, जब एक पार्टनर रिटायर हुआ तो वो अपना हिस्सा ले ही जाएगा। तो हम यही करते हैं कि जो भी रिजर्व पड़े हुए हैं उन सारे के सारे रिजर्व को हम बांट देते हैं, उन सारे के सारे रिजर्व को हम क्या करते हैं, बांट देते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो आप क्या लिखोगे, बाय रिजर्व जो बैलेंस शीट के अंदर होंगे और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर। मतलब अगर मान लो, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, सपोज रिजर्व पड़े हुए हैं यहां पे 60,000 के और इनकी रेशियो है 5:3:2, तो ये 10 पार्ट हो गए, तो इसके हो गए 30,000, इसके हो गए 18 और इसके हो गए 12,000। तो आपको सिंपली क्या लिखना है, जो रिजर्व थे 60,000, ये एक एग्जांपल है 60,000 के रिजर्व थे, तो हम इनको क्या करेंगे 5:3:2 के अंदर बांट देंगे। तो इसका हिस्सा आ जाएगा 30, इसका 18 और इसका 12। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मैंने रिजर्व लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR, दैट मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नीचे मैंने टर्म लिखी है फ्री रिजर्व, नीचे मैंने टर्म लिखी है फ्री रिजर्व। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है आपको पता है वो एक टाइप का स्पेसिफिक रिजर्व है कि अगर किसी भी वर्कमैन को, किसी भी वर्कर को काम करते टाइम कोई चोट लग जाती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए रिजर्व क्रिएट किया जाता है। तो जिस टाइम पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है और उसकी लायबिलिटी कितनी है, उसका क्लेम कितना है। जैसे मान लो बैलेंस शीट के अंदर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखाई दिया सपोज 30,000, मैं आपको यहां पे छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूं, ये आपकी बैलेंस शीट, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 और नीचे एडजस्टमेंट में लिखता है वो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ₹10,000। मतलब कि क्लेम तो कितना था, सॉरी रिजर्व कितने का था, 30,000 का,
क्लेम कितना आया 10,000। तो बेटा यहाँ पे फ्री रिजर्व कितना हो गया, कितना बच कितना गया 30,000। हमने इकट्ठे किए थे कि किसी वर्कर को चोट लगी तो वो यहाँ से दे देंगे, लेकिन चोट लगने पे खर्चा कितना आया सर 10,000। तो 30 में से 10 तो यूज हो गए, बाकी रह गया 20,000। 20,000 जो है वो क्या है, फ्री रिजर्व है। उस फ्री रिजर्व को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज P&L क्रेडिट बैलेंस, ये आपका प्रॉफिट होता है। P&L क्रेडिट बैलेंस यानी कि बैलेंस शीट के अंदर अगर आपको लायबिलिटी साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो आपके लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट पार्टनर्स को देने हैं तो हम उनकी क्रेडिट साइड पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सी रेशियो के अंदर, उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है बेटा, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट होगा जैसा पहले किया था एडमिशन के अंदर, सेम यहां पे भी वही होगा। रिवैल्यूएशन पे अगर प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट हम क्या करेंगे, उनकी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। मतलब मेरे कहने का ये है, अगर रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, पीएनएल है और रिवैल्यूएशन है, ये सब कुछ हम क्या करते हैं ओल्ड रेशियो के अंदर सभी पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट की और कुछ आइटम्स हैं जो आपको डेबिट साइड पे लिखनी है, जैसे कि गुडविल। गुडविल कौन सी अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में जो गुडविल है उस गुडविल को हम क्या करेंगे, वो एक टाइप का आपके लिए लॉस है। मैंने आपको बोला है एज पर AS 26 गुडविल को आप बुक्स में शो नहीं कर सकते। तो बुक्स में अगर आपने शो कर रखा है तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है, उसको खत्म करना पड़ता है। राइट ऑफ करने के लिए आप क्या करते हो, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, कौन से रेशियो में, उनकी ओल्ड रेशियो में। तो आप क्या करोगे, लिखोगे टू गुडविल अकाउंट और डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कौन से रेशियो के अंदर, उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर आप बांट दोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी आपको मिलेगा बैलेंस शीट में, ये भी आपको कहां मिलेगा बैलेंस शीट में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपको पहले बताया, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब जिसका आप एक्सपेंडिचर पे कर चुके हो लेकिन उसका बेनिफिट आपको नियर फ्यूचर मिलने वाला है। तो ये एक टाइप का खर्चा होता है, जैसे मैंने बताया कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब ये एक टाइप का ऐसा एक्सपेंस है जिसका एक्सपेंडिचर एक बार में हो रहा है लेकिन उसका बेनिफिट हमारे को कई सालों तक मिलता है, कई इयर्स तक हम उसका बेनिफिट लेते हैं। तो ये भी आपका एक टाइप का लॉस होता है, ये भी क्या है हमारे लिए एक टाइप का लॉस है। इसको भी हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट वन इज P&L डेबिट बैलेंस, P&L डेबिट बैलेंस ये आपको मिलेगा बैलेंस शीट की एसेट साइड पे, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आपको ये मिलेगा। आपने क्या करना है, जो P&L का एसेट साइड पे मिलेगा वो तो लॉस है, उसको आप क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूट करोगे डेबिट साइड पे। अगर आपको मिलता है क्रेडिट बैलेंस, ये आपको मिलेगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, तो अब उसको हम कहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट वन इज, अब जो नई चीज है वो ये, जो नई चीज है जो मैंने रेड पेन से लिखी हुई है, रेड मार्कर से मैंने लिखा है, वो सब कुछ नया है, वो सब कुछ नया है यहाँ पे। तो आपको क्या लिखना होता है, देखो जब एक नया पार्टनर आता था तो आप यहाँ पे लिखते थे बाय कैश अकाउंट और उसकी कैपिटल लिखते थे ना। यहाँ पे पार्टनर जा रहा है, यहाँ पे पार्टनर जा रहा है तो वो पैसा लेके नहीं आएगा, लेके जाएगा, यहाँ से पैसा लेके जाएगा। और दूसरी चीज होती थी गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता था वो हम क्या करते थे, जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस करते थे उनको हम वो पैसा दे देते थे गुडविल का। लेकिन यहाँ अब आपको क्या करना है, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, मैंने यहाँ पे सी को रिटायरिंग पार्टनर रिज्यूम किया हुआ है, मैंने ये माना कि सी रिटायर हो रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, अब जैसे यहाँ पे सी रिटायर हो गए तो यहाँ लिखूंगा मैं बाय ए एंड बी कैपिटल अकाउंट, बाय ए एंड बी कैपिटल अकाउंट। और जो भी सी का गुडविल का हिस्सा बनेगा, जो भी सी का गुडविल का शेयर बनेगा वो हम उसके कॉलम के अंदर लिख देंगे, वो उसके कॉलम के अंदर हम लिख देंगे, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, ये जो गुडविल है इसकी आपने लास्ट वीडियो के अंदर एंट्री की थी, मैंने आपको एंट्री
गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे बेटा जो गेन कर रहा है उनको डेबिट करना पड़ेगा, तो उनकी डेबिट साइड पे आप लिखेंगे यहां पे नाम क्या आएगा, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर मैं रेड पेन से लिख दूं तो यहां पे आपको नाम लिखना है गेन कौन कर रहा है, यहां पे ए एंड बी। तो यहां पे आप लिखेंगे बाय ए एंड बी कैपिटल अकाउंट, या फिर आप लिख सकते हैं बाय ए एंड बी कैपिटल अकाउंट। और लिखना कहां पे है, अमाउंट कहां लिखना है, अमाउंट लिखना है सी के शेयर सी के कॉलम में। और यहां पे आपको क्या लिखना है, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे रिटायर कौन हो रहा है सी, तो यहां पे आप लिखेंगे टू सी कैपिटल अकाउंट। और जो भी गुडविल का शेयर है, रिटायरिंग पार्टनर शेयर और गुडविल इन गेनिंग रेशियो, जो भी उसका शेयर होगा, किसका शेयर, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होगा, वो कंटिन्यूइंग पार्टनर गेनिंग रेशियो के अंदर बांट के यहां लिख देंगे। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूं कि उसका गुडविल का शेयर बना 30,000, उसकी गुडविल का शेयर बना 30,000 और उनकी गेनिंग रेशियो जो थी वो थी 2:1, उनकी गेनिंग रेशियो थी वो 2:1 थी, तो वो यहां पे ऐसे लिखेंगे 20,000 इसके कॉलम में और 10,000 इसके कॉलम में। ठीक है बेटा, लास्ट वन इज, अब आपको चेक करना है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पेमेंट कैश में हो रही है या नहीं हो रही। जब पार्टनर फॉर्म से जा रहा है तो उसका पैसा उसको नगद दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। अगर बेटा उसका पैसा नगद दिया जाता है, मतलब कैश पे कर देते हो आप उसको, कैश पे कर देते हो, तो आप यहां पे लिखोगे टू कैश, अगर बैंक से पेमेंट किया तो बैंक, कैश से पेमेंट किया तो कैश, टू कैश अकाउंट। और यहां पे जो भी उसको पैसा कैश में दिया वो लिख दो। और ये निकालने का तरीका भी मैं आपको एक बार बता देता हूं ये कैसे करते हैं। यहां पे हमने क्या लिखा, जो पैसा हमने उसको देना है, जो भी हमने उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया वो लिखा। और यहां पे क्या लिखा, जो भी आपने उनसे लेना है, जो भी आपने उनसे लेना है तो वो हमने यहां लिख दिया। तो बेटा जितने पैसे देने थे और जितने पैसे लेने थे, मतलब जो क्रेडिट बैलेंस है उसमें से डेबिट बैलेंस को माइनस करते हैं, तो जो अमाउंट बचता है वो या तो उसको कैश में पे कर दिया जाता है या फिर उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें लोन में ट्रांसफर करने का रीजन क्या होता है बेटा, क्योंकि कैपिटल होती है ओनर्स की या पार्टनर्स की, कैपिटल किसकी होती है, ओनर की या फिर पार्टनर की। जब आप हमारे पार्टनर रहे ही नहीं, जब आप हमारे पार्टनर हो ही नहीं, तो उसमें आप फर्म के अंदर कैसे कैपिटल लगा सकते हो। कैपिटल सिर्फ और सिर्फ पार्टनर लगाता है और कोई नहीं लगा सकता। तो जब वो बोली रेशियो में यहां से रिटायर हो गया तो उसका जो भी पैसा बनता है वो हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, उसके लोन अकाउंट में। लोन अकाउंट को निकालने का तरीका सिंपल सा है, वहां पे क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड माइनस कर देंगे, आपका यहां बैलेंस आ जाएगा। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, लोन अकाउंट का बैलेंस। बाकी सबका भी सेम इसी तरीके से करेंगे, ए का टोटल करोगे क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का भी टोटल करोगे, उसमें से माइनस कर दोगे डेबिट साइड। यहां मैंने लिखा है टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस डेबिट, मतलब कि क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो यहां आपके बैलेंसेस आ जाएंगे, यहां आपके बैलेंस आ जाएंगे। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा रिटायरमेंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब आप इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखो, क्योंकि कैपिटल अकाउंट मैंने एक बार आपको बनवा दिया, आप खुद से एक बार ट्राई करके देखें। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा आपको बनाना आता है, बाकी बैलेंस शीट भी आपको बनानी आती है। सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ये दो चीजें चेंज थी, एक तो आपका ये और एक आपका ये पार्ट, ये दो तीन पॉइंट थे जो चेंज थे, बाकी सारा का सारा एडमिशन के केस के जैसे ही है। जैसे एडमिशन में कैपिटल अकाउंट बनाते थे वैसे यहां पे बनाना है, सिर्फ कुछ चीजें चेंज है, जो चेंज है वो मैंने यहां पे लिख दी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप एक बार ट्राई करके देखें क्वेश्चंस को, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बताएं, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखें। ओके बेटा।